हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है नीरज बावा, मैं हूँ हिमाचल का पहला ऑटो ब्लॉगर। तो अभी आज सैटरडे का दिन है और आज दशहरा भी है, तो सबसे पहले आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी लोग खुश रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें हमेशा के लिए। वही मैं दुआ करूँगा भगवान से आप सभी के लिए। तो आज का जो शेड्यूल था, आज निकले थे काम पर और कल मैंने किसी को बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपसे मिलूँगा करके। एक क्यूट से मतलब छोटे से लड़की थे एक, तो उन्होंने मिलने के लिए बोला था मेरे को पहले भी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई। फिर ये मेरे से बहुत नाराज़ हो गए, फिर मेरी पिछले कल इनसे बात हुई थी और फिर मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आज इनसे मिलूँगा। तो मैं सबसे पहले सारे काम छोड़ के, वैसे तो मैं ज़्यादा बिजी नहीं रहता हूँ, पर चलो आ गया मैं सबसे पहले यहाँ पर और इनसे मिला हूँ आके। तो ये है हमारे जो मतलब मेरे को अच्छा मानते हैं और मेरी वीडियोज़ देखते हैं। हेलो। तो क्या नाम है जी आपका? कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड में। तो मतलब आप मेरे को पहले को मिलने को बोला आपने मेरे को, है ना, मैं आ नहीं पाया वो सारी चीज़ें। तो बोलो आपने क्या क्या बोलना है, बोल सकते हैं आप। इन्होंने पहले मेरे से ब्लॉक में झूठ बोला कि मैं आऊँगा मिलूंगा, पर इधर ये आए नहीं उस टाइम मिलने। मैं पूरा दिन बाहर बैठी रही, ये आए बिल्कुल नहीं। मैं पूरा दिन सुबह से शाम होगी पर ये आए नहीं। पहले गए ना इनका ऑटो, फिर मम्मा मेरे को लेके गए, मम्मा फिर मिले नहीं इनका ऑटो। और फिर कल फोन किया था, फिर इन्होंने मैंने इनको एग्जैक्ट टाइमिंग बताया कि इतने बजे आओ, 11 बजे तक आओ, नहीं तो 12 बजे तक आओ, नहीं तो गड्डी हो जाऊंगी मैं आपसे। फिर मैं कितने बजे आया आज? आज भी आप एग्जैक्ट टाइमिंग पे, मैं 12 बजे से पहले आया हूँ आपके पास। अभी भी 12 नहीं बजे देख लो। हाँ। और आधा घंटा तो हमारे को बैठे हुए भी हो गया साथ। तो सबसे पहले मैं आया, फिर आप मेरे लिए क्या लेके आए थे वो भी दिखा दो। चॉकलेट। वो देखो तनिष्का ने मेरे को ये चॉकलेट दी है, बहुत अच्छा। और मैं देखो बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मैं तनिष्का के लिए कुछ लेके नहीं आया, और तनिष्का मेरे लिए ये लेके आई है। और तनिष्का क्या कर रही थी कि छुपा रही थी इसको, मतलब मेरे से, कि मेरे को दिखाना नहीं चाहते थे वो, और पूछ रहे थे कि मैं क्या लेके आऊँ। पर मैंने तो देख लिया था, मैं कहा तनिष्का एक चॉकलेट लेके आए, तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू तनिष्का, मतलब इतना प्यार करते हैं सब कुछ। तो तनिष्का वीडियोज़ वगैरह देखते हो, आपको कैसी लगती है, कितना टाइम हो गया आपको वीडियोज़ देखते हुए? मेरे को 3 साल हो गए, मैं आपकी पूरी एग्जैक्टली देखती हूं वीडियोज़। मेरे को आपकी ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं। और क्या क्या अच्छा लगता है आपको? मतलब जैसे लोग आपसे बात करते हैं, वीडियो कॉल से बात भी करते हो। और तो ये सब आपका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सारी चीजें, है ना। और वीडियोस में मतलब जैसे वीडियोस देखते हैं आप, वीडियोस में पहले देखा था कि ऐसे भी कभी देखा था मेरे को आपने? देखा था, पर आपको यूट्यूब में देखा। नहीं मतलब मार्केट में बोल रहा हूँ, जैसे आपने मेरे को कभी मार्केट में देखा पहले की वीडियोस में देखा है? मार्केट में देखा, वीडियोस में देखा आपको? वीडियोस में देखा। तो सबसे पहले यूट्यूब पे देखी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे भी नहीं देखी है ना? यूट्यूब पे मम्मा ने मेरे को बाद में दिखाई, क्या बोलते हैं। तो पहली बार आपने वीडियो देखी तो शायद आपको याद है कि कौन सी वीडियो देखी है आपने, कौन सी वीडियो देखी है? उसमें क्या बोलते हैं आपके, नहीं आप किसके ऊपर बैठे थे? अच्छा। और आपके साथ एक अंकल जैसे थे। हाँ। और आप उनके साथ ब्लॉग बना रहे थे। तो मतलब आपका ऑटो साइड में खड़ा था। हाँ। तो फिर आप कितनी देर देखते थे उस व्लॉग को? और पूरा टाइम जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक मैं देखी रही। तो ऐसा क्या इंटरेस्ट आया आपने औरों के व्लॉग्स नहीं देखे, मेरे देखे, क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को वो अच्छे लगे। अच्छा, मेरे व्लॉग्स। तो बता सकते हैं आप मतलब क्या अच्छा लगा आपको और कैसे? जैसे आप लोगों को एंटरटेन करते हो, बात बताते हो, अपनी जो मैसेज होता है आपको सब कुछ बताते हो उसको। तो मतलब कितना लाइक किया आपने वीडियोस में, कितना लाइक किया मेरे को, और मिलके कैसा लगा? मेरे को मिलके अच्छा लगा, मैंने आपके और वीडियोस को लाइक किया। और रेगुलरली देखते हो, है ना। और स्कूल वगैरह में सबको क्या बोला आपने, किससे मिल रहे हो? नीरज बाबा से मैं मिलने जा रही हूँ, ऐसे मैंने उससे बोला था फ्रेंड को। फिर मेरे फ्रेंड जब मैं अगले दिन स्कूल गई तो पूछा आए नहीं तेरे पापा नीरज बाबा? उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं आए, वो कल रहेंगे। ऐसे बोलते बोलते आज का दिन और आज आ गई है। और अब तो वीडियो बन गई, अब तो सबको पता लग ही जाएगा, है ना, कहाँ बैठे देखो आप और मैं, है ना। तो और कुछ क्या बोलना चाहोगे आपने, बोलना है कुछ और? कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ और बोलो आप। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वीडियोस के बारे में कुछ नहीं बोलना कि वीडियो सुधारूं या क्या करूं, या डांटना है आपने मेरे को तो डांट सकते हो। कुछ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ बोलना ही नहीं अब।
अच्छा सारा कुछ हो गया मतलब है। और फ्री राइड पे भी जाना है आपने ऑटो में? yes. जाना है और फोटो लेनी है? yes. और बहुत कुछ करना है। और एक मेरी टी शर्ट भी तो बनवा रहे थे आप मेरे लिए, वो कहाँ है? भूल गए? वो मेरी तरफ से नहीं थे, वो मेरी मम्मी की तरफ से थे। क्या कर रहे हो उस टी शर्ट में, क्या बना रहे हो? आपका फेवरेट ऑटो और आप फोटो। मैं भी आऊंगा उस टी शर्ट में। कब बनाओगे ये मेरे को भी नहीं पता, जब बनेगी मैं आपको स्पेशल बुलाऊंगी इस टाइम। अच्छा तो देख लो दोस्तों की मतलब तनिष्का मेरे को कितना प्यार करते हैं, मेरे को मेरे लिए चॉकलेट लेके आए हैं। और एक मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ कि मतलब खाली हाथ आ रहा हूँ तनिष्का से मिलने, और तनिष्का मेरे लिए टी शर्ट भी बनवा रहे हो, उसमें मेरे ऑटो की फ़ोटो होगी और मैं आऊँगा। तो मतलब ये ब्लेसिंग्स ही है, मतलब तनिष्का वगैरह सबकी ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर की, मतलब जो इतना प्यार मेरे को मिल रहा है, इतनी ना मैं मेहनत करता हूँ व्लॉग्स में ना कुछ करता हूँ, बस ये तो इन लोगों की ब्लेसिंग्स है। तनिष्का जैसे और भी बच्चे हैं जो मेरे को लाइक करते हैं, और तनिष्का भी है कि मतलब इतना आगे बढ़ रहा हूँ, इतनी मेहनत नहीं करता व्लॉग के लिए ना इतना कुछ करता हूँ जो आप लोगों को सच बात बताऊँ, वो सिर्फ़ इन लोगों की ब्लेसिंग्स है जो आगे जा रहा हूँ। और दशहरे की तो मैं आपको शुभकामनाएं दे चुका हूँ, और तनिष्का से मिल को आपको कैसा लगा वो भी बताएं, और देखते हैं अभी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे तो इसको करेंगे, नहीं तो मैं अगले क्लिप में इसको फिर एंड कर दूँगा। अभी के लिए इतना ही और आगे मिलते हैं। ये क्या है तनिष्का, इतनी सेवा, थैंक यू सो मच। तो तनिष्का देखो कितने जिद्दी है, और तनिष्का मेरे को पूछ रहे हैं आपने चाय पीनी है, आपने कॉफ़ी पीनी है, आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आपने परांठा खाना है। तो और मैंने हर चीज़ को मना किया, फिर भी तनिष्का ने क्या मंगाया, मेरे स्लाइस है कि माजा है? माजा। तो देखो तनिष्का ने मेरे माजा मंगा दिया है, और क्या बोलूँ तनिष्का को, खुद मैं कुछ लेके नहीं आया हूँ और मैं तनिष्का का माजा पी रहा हूँ। तो देख लिया दोस्तों आप मैं कितना बुरा इंसान हूँ, इसलिए आप मेरे से मत मिले। मैं तो मैंने तो कोल्ड ड्रिंक हम पी चुके हैं दोस्तों, और अब तनिष्का और मेरा जो प्लान हुआ है एक फ्री राइड का हुआ है, तो अभी हम डीसी ऑफिस से जा रहे हैं कोटनाड़ा तक, देखते हैं जो ज़्यादा इन्जॉय किया तो हम आगे जाएंगे, वैसे भी कोटनाड़ा तक का प्लान है और बाहर ऑटो लग गया है। तो चलो तनिष्का आ गया ऑटो, मेरे से पहले जा रहे हैं, और फिर तनिष्का का ख्याल भी रखना है क्योंकि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मेरे को तनिष्का को मेरे साथ भेजा। तो गाइस चलते हैं डीसी ऑफिस तक से और एक फ्री राइड के लिए तनिष्का के साथ, और भाई को मैं कैमरा दूंगा और राइड दिखाएंगे डीसी ऑफिस से शांति तक की। तनिष्का चले फिर बताओ। हाँ हाँ रुको भाई, तनिष्का बोल रहे एक मिनट रुको, चले चले फिर चले। हाँ ये तो मैं रख लूंगा। हाँ दोस्तों फ्री राइड भी हमारी पूरी हो चुकी है और वापस आ चुके हैं हम शॉप पे, और अब व्लॉग को करते हैं एंड। मेरे को पहले ब्लेसिंग्स दे दो आप सर पे हाथ रख के कि आपके व्लॉग चलते रहे, जल्दी करो ऐसा करके। हाँ क्या बोलोगे कि आपका व्लॉग अच्छा चले हमेशा, और क्या बोलते हैं लाइक शेयर करने को बोलोगे ऑडियंस को? लाइक एंड सब्सक्राइब। और कोई विश रहेगी आपकी पूरी करने को? नो। है कम्प्लीट है? चलो दोस्तों तनिष्का है जो फुली सेटिस्फाइड है, फ्री राइड भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और आप लोग प्लीज़ बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें, और कोई भी कमी पेशी हो ब्लॉग में वो भी ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय श्री राम, कर दो बाय बाय।